एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमिली डिकिंसन की एक बहुत ही फेमस पोयम जिसका नाम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पोयम है इसको ऑफन रिफर किया जाता है एज ए पोयम 479। जैसा कि डिकिंसन ने अपने किसी भी पोयम में कोई टाइटल नहीं दिया है तो उनकी पोयम का जो फर्स्ट लाइन हो जाता है वही उसका टाइटल होता है। तो इस तरह से ये जो पोयम है ये पोयम 479 के नाम से भी जानी जाती है एंड ये जानी जाती है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ के नाम से भी। ये पोयम लिखी गई थी 1863 में। ये कंपोज की गई है 6 क्वाट्रेंस में, यानी कि 6 4 लाइन के स्टैंजास में, और टोटल इसमें 24 लाइंस हैं और इसका राइम स्कीम है ए बी सी बी। इसके साथ ही इसमें डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है एज ए जेंटल गाइड, एक जेंटल गाइड के रूप में, जैसे कि एक कैरेज ड्राइवर के रूप में जो कि स्पीकर, यानी कि जो इस पोएम की स्पीकर है उसको उसकी फाइनल जर्नी पर ले जाती है। तो चलिए अब पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं, लेट्स स्टार्ट। पोएम की फर्स्ट लाइन है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, क्योंकि मैं मृत्यु यानी कि मौत के लिए नहीं रुक सकती थी। ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, इसलिए वो यानी कि मृत्यु यानी कि डेथ मेरे लिए रुक गई, यानी कि मेरे पास वो खुद चलकर आ गई। द कैरेज हेल्ड बट जस्ट ऑलसेल्स, मैं उस रथ में बैठ गई जिसमें मैं थी और मेरे साथ बस डेथ थी एंड इमोर्टैलिटी, यानी कि उस कैरेज में हम दोनों के अलावा सिर्फ एक चीज थी और वो थी इमोर्टैलिटी। वी स्लोली ड्रोव, हम धीमे धीमे आगे बढ़ रहे थे। ही न्यू नो हेस्ट, यानी कि मौत को कोई भी जल्दी नहीं थी। एंड आई हैड पुट अवे, और मैंने छोड़ दिए थे माई लेबर एंड माई लेजर टू, अपने तमाम कामों को और अपने आराम को, फॉर हिज सिविलिटी, उसकी सिविलिटी यानी कि उसके शिष्टता के चलते, यानी कि मौत का शिष्टता थी उसके चलते मैंने अपने तमाम कामों को और अपने आराम को भी छोड़ दिया था। वी पास्ड द स्कूल, हम एक स्कूल से गुजरे। वेयर चिल्ड्रन स्ट्रोव एट रेसेस इन द रिंग, जहां पर बच्चे ब्रेक टाइम में, एट रेसेस मतलब कि ब्रेक टाइम में बच्चे उस बाउंड्री के अंदर खेल रहे थे। वी पास्ड द फील्ड्स ऑफ गेजिंग ग्रेन, हम एक लहलहाते खेत से भी गुजरे, यानी कि एक पकी हुई फसल का जो खेत था जिसकी फसलें लहरा रही थी, हम उस खेत से भी गुजरे। वी पास्ड द सेटिंग सन, हम एक डूबते हुए सूरज के पास से भी गुजरे, और रेदर ही पास्ड अस, या यूं कह सकते हैं कि हम सूरज के पास से गुजरे या तो सूरज हमारे पास से गुजरा। द ड्यूस ड्यू किवरिंग एंड चिल, अब ठंडक वहां पर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, मौसम बहुत ठंडा हो गया था। फॉर ओनली गो सैमर माई गाउन, और मैंने एक पतला सा हल्का सा एक गाउन पहना हुआ था, यानी कि जालीदार कपड़े, गो सैमर मतलब कि जालीदार कपड़े का बना हुआ एक गाउन मैंने पहन रखा था, और इसलिए मुझे ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी। माई टिपेट ओनली ट्यूल, मेरे पास एक स्कार्फ भी थी लेकिन वो भी ठंडक से मुझे बचा नहीं पा रही थी। We paused before a house that seemed a swelling of the ground. हम एक मकान यानी कि एक हाउस के आगे आकर रुक गए, और वो कैसा घर था, वो एक ऐसा घर था जैसे कि वहां पर जमीन यानी कि ग्राउंड जो है वो फूली हुई यानी कि उभरी हुई सी थी, स्वेलिंग थी उसमें। तो एक तरह से यहाँ पर जो पोएट्रेस है वो यहाँ पर कब्र की बात करती हैं, जैसे कि कब्र सतह से ग्राउंड से थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, तो उसी तरह के हाउस की ये बात करती हैं कि हमारा जो रथ था वो उस कब्र के पास आके रुक गया जहाँ की जो ग्राउंड थी उससे वो थोड़ा सा उभरा हुआ था। द रूफ वॉज स्कार्सली विजिबल, जिसकी जो छत थी वो स्कार्सली यानी कि मुश्किल से ही विजिबल हो पा रही थी, यानी कि उसमें कोई छत थी ही नहीं। द कॉर्निस इन द ग्राउंड, उसकी छत मानो ऐसी थी जैसे वो धसी हुई हो, यानी वो घर जो है वो ग्राउंड से थोड़ा सा उभरा हुआ था। सिंस देन इट इज सेंचुरीज, तब से लेकर अब तक पूरी एक सदियां गुजर गई हैं। एंड येट फील्स शॉर्टर देन द डे, और मानो अब भी ऐसा लगता है कि जैसे कि ये कल की ही बात है, अभी ये कल की ही बात है। आई फर्स्ट सरमाइज्ड द हॉर्सेज हेड्स वर टूवर्ड इटर्निटी, अब यहाँ पर पोएटस कहती है कि जब वो रथ मुझे लेने आया था तो वो जो कैरेज था उसमें जो घोड़े बंधे हुए थे, जब मैंने उनको पहली बार देखा था, पहले पहल ये पता चला था कि उनका जो मुंह है वो किस तरफ था, उनका मुंह जो है इटर्निटी की तरफ था,
तो पोएटस अब यहाँ पर याद करती है कि जब मैंने घोड़ों का मुंह देखा था तभी ये मैं समझ गई थी कि ये जो घोड़ों का मुंह है वो इटर्निटी की तरफ यानी कि अनंत की तरफ जा रहा है, यानी कि हम अनंत की ओर चले गए हैं। और यहीं पर ये पोयम खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।